वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 26 अक्टूबर 2020 और आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं न्यू इन्वेस्टर्स के लिए जो बिगिनर्स है और स्टॉक मार्केट में आने के बाद सबसे पहले उनको जो मिलता है वो मिलता है लॉस। तो ऐसे छोटे छोटे लॉसेस करते करते उनका जो कैपिटल है वो ड्रेन हो जाता है और एक दिन वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। इस तरीके से वो प्रिडिक्शन अपने दिमाग में फिट कर देते हैं। तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक ब्राउजर पे गूगल को ओपन किया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। आप स्टॉक मार्केट में आए, आपको कुछ नहीं पता है। तो जब आपको कुछ नहीं पता है तो आपको पहली चीज अवॉइड करना है टिप्स। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जैसे भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर देंगे तो आपके मोबाइल पे आएंगे एक मैसेजेस आएंगे कि डेली 20 लाख 30 लाख का प्रॉफिट हो रहा है निफ्टी में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, स्टॉक में, कैश में। तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप या सर्विसेज, पेड सर्विसेज ज्वाइन कीजिए। ऐसे आपको लगातार कॉल भी आएंगे और मैसेजेस भी आएंगे और आपको बताएंगे भी कि हमारा परफॉर्मेंस ऐसा है। तो आपको सबसे पहले उन चीजों को अवॉइड करना है। सेकेंड चीज आपको अवॉइड करना है टीवी शोज। बहुत सारे टीवी चैनल्स है, उनपे शोज आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वहां पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट आते हैं और एक्सपर्ट हमेशा आपको बाइंग के लिए सलाह देते हैं। चलिए अगर सेलिंग के लिए अगर उन्होंने सलाह दे दी और वो सलाह अगर गलत होती है तो एक दिन ही आपका लॉस होगा। अगर वो सेलिंग के लिए आपको बताते हैं तो एक ही दिन लॉस होगा, लेकिन ज्यादातर अगर आप टीवी शोज देखेंगे तो वो आपको बाइंग के लिए बताते हैं। जब आप बाय कर लेते हैं तो आपका पोजीशन भी लंबा हो जाता है और रिस्क भी लंबा हो जाता है। तो ऐसे टीवी शोज को आपको अवॉइड करना है। फिर चलते हैं हम, थर्ड पॉइंट है रिकमेंडेशन। अगर मेरा कोई फ्रेंड है स्टॉक मार्केट में, पहले से ही वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो कोई स्टॉक को रिकमेंडेड करता है तो उसको भी आपको यहाँ पर अवॉइड करना है। और लास्ट फोर्थ में बात करूंगा, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे, कैश, तो आपको मेरे जैसे और मेरे से भी अच्छे कई चैनल मिल जाएंगे जो आपको टिप्स और पेड फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इन चीजों को भी 101% अवॉइड करना है। तो चलिए, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज है, आपके पास सिर्फ है अपना खुद का हार्ड एंड मनी कैपिटल। और उसको आप जब स्टॉक मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है तो हम गूगल पे आएंगे और गूगल पर क्या कहेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे GROW ग्रोइंग सेक्टर। अब यहां पर गूगल पे हमने टाइप करके लिख दिया ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। ओके, ग्रोइंग सेक्टर इन मार्केट। ग्रोइंग सेक्टर इन स्टॉक मार्केट। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पर गूगल पे टाइप किया ग्रोइंग सेक्टर इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि हम न्यू कमर्स है और न्यू कमर्स को हमें, बिगिनर्स को कुछ भी नहीं पता है और जो चीजें हमको अवॉइड करनी थी वो पहले हम अवॉइड कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल गूगल में टाइप किया ग्रोइंग सेक्टर इन स्टॉक मार्केट और उसके बाद देखिए यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट को हम इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मनी कंट्रोल पे आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम यहाँ पर आकर मनी कंट्रोल के यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस है, इस पेज को यहाँ ओपन करेंगे। हम न्यू कमर्स है, हमारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं था, हमने बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर दिया। अब हम जीरो नॉलेज के साथ में हम अपना जो स्टॉक मार्केट का जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि ग्रोइंग सेक्टर कौन से है। तो हमने गूगल पर
टाइप किया और गूगल पर टाइप करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर के जो लाइंस दिख रहे हैं, यानी ये एग्री का जो सेक्टर है वो इतना परफॉर्मेंस कर रहा है, अल्कोहल का इतना परफॉर्मेंस कर रहा है, एविएशन, बैंक, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज का भी सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर है, कंटेनिंग एंड पैकेजिंग का सेक्टर है, डायमंड्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर है, ईटीएफ। यहाँ पर आपको सेक्टर वाइज मैन्युफैक्चरिंग में देखिए 100% यहाँ पर हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर शिप एंड बिल्डिंग्स में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपको अच्छे खासे सेक्टर्स दिख रहे हैं, उन सेक्टर्स के जो स्टॉक है, अब हमको उनको देखना है कि उनमें से कौन से स्टॉक अच्छे है। जैसे कि अब हम डायमंड एंड ज्वेलरी की बात करेंगे, डायमंड एंड ज्वेलरी में यहाँ पर जो स्टॉक अवेलेबल है उनको देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के नाम, उनका प्राइस वो आपको मिलेगा, अटलास ज्वेलरी, दर्शन अरोना, गोरिंका डायमंड्स, गोल्डन इंटर्स। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ETF के सेक्टर में अगर आपको लगता है तो ETF गोल्ड, और ये तो गोल्ड का सेक्टर है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सेक्टर अच्छा ग्रो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वहां पर देखिए कंस्ट्रक्शंस है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये सब सेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में जाते हैं, जो ऐसे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, इस पे हम क्लिक कर देते हैं कंस्ट्रक्शंस पे। तो एडवेंट इंफ्रो है, RASS इंफ्रा है, अशोका बिल्डकॉन है, अटलांटा है, तो ये सब स्टॉक आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर हम एक आध और स्टॉक को ले लेते हैं।